देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। कमाडीपुरा पुलिस हुदूद बेगम बाजार का रहने वाला लड़का अभिषेक यादव और दूध बोली की रहने वाली लड़की उमा देवी, ये दोनों हाईटेक सिटी किसी कंपनी में एक साथ नौकरी करते थे, जहां पर इन दोनों की दोस्ती शादी तक पहुंची, जिस पर अभिषेक के वालिद राजेंद्र यादव ने शादी से इनकार किया, जिस पर ये दोनों अपनी मर्जी से 2012 में शिरडी में शादी करने के बाद लड़की से अभिषेक नज़रअंदाज करने लगा और कहा कि शादी का कोई सबूत नहीं है, जिस पर लड़की ने कमाडीपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद लड़के पर आईपीसी अंडर सेक्शन के तहत 506, 498A और 420 केस बुक किया, जिस पर अभिषेक ने दोबारा 2013 में आर्य समाज में शादी की और उमा देवी को बंजार हिल अपने दोस्त के मकान में रखा हुआ था। पिछले 4-5 दिन से अभिषेक का कोई पता नहीं है, जिस पर लड़की ने परेशान होकर शी टीम में शिकायत की, जिस पर स्वाति लाखरा ने अपनी कार्रवाई करते हुए कमाडीपुरा पुलिस से कार्रवाई करने पर पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। शहबाज बाबा के साथ क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। मेरा नाम उमा देवी है, मैं दूधबोली में रहती हूँ। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मैं उसके पीछे मेरे ससुराल वाले हैं और वो लोग मेरे को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को छुपा के रखे और उनकी दूसरी शादी करने के लिए मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। अभी 2 साल से मैं वो प्रेशर को झेलते जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड कभी भी मिलते हैं एक ही बात बोलते हैं कि मेरे पापा बीमार है, उनका हार्ट अटैक है और उन्हों मर जाते बोल के मेरे को ऑलरेडी 2012 में ही शादी कर लिए थे। फिर भी वैसे उनके दोस्त एक विक्की बोल के बेगम बाजार में ही रहता है, वो उनका साथ लेके मेरे को बेगम बंजार हिल्स में घर लेके मेरे को कन्विंस करके मेरे को रखे थे। तो वाइफ एंड हस्बैंड की तरह हम दोनों थे। फिर बाद में मैं उनको प्रेशर डालने लगी कि आपके घर को कब लेके जाते, बोलने के बाद वो क्या करें, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या, अगर भरोसा नहीं है तो तुझे आर्य समाज लेके जाके शादी करता हूँ बोल के बड़ी चौड़ी आर्य समाज में हमारी शादी हुआ था। 2013 सितंबर 28 को हुआ था। फिर हम दोनों कारवान में विष्णु अंकल बोल के जो हमारा साथ दिया था उनके घर में थे, क्योंकि जब मालूम पड़ा था कि मेरे हस्बैंड का एंगेजमेंट ऑलरेडी हो चुका था और वो उनके घर वाले उनके ऊपर प्रेशर डाले थे। जैसा हमारी शादी हुआ बोल के पता चला था वो लोग मेरे ऊपर बहुत सा प्रेशर डालना शुरू करे, बच्ची के घर वाले जाके बच्चे को मारे गए थे। वो टाइम पे एक महिला मंडली वाली आई थी, उनका नाम है संध्या बोल के, वो मलकाजगिरी में रहती है, उन्होंने उनका साथ दे के केस को पूरा खींच के गई है और कमाडीपुरा में जाके मैं कंप्लेंट देने के बाद भी उसका कुछ एक्शन नहीं लिए वो। उसके बाद अभी वो लोग बोले कि आर्य समाज में ऑलरेडी शादी हो गया तो डेफिनेटली वो लोग तुम्हारे पास ही आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा कि उनको अपना बहू मानने के लिए, तो मेरे को कन्विंस करके मेरे घर भी जा दी। उतने में वो लोग जाके मेरे ससुराल वाले जो बेगम बाजार गांधी गली में रहते हैं, वो एक यादव फैमिली के लोग हैं और बेगम बाजार गांधी गली में यादवों का एक संघ है जिसमें 5 पांडव बोलते हैं जो चौधरिया रहते हैं, और उनके हिसाब से ये कहना है कि उनके कास्ट में कोई दूसरी बच्ची को शादी करना अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड मुझे आर्य समाज दे के शादी किया है। अभी उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं मेरे हस्बैंड के ऊपर, अभी उन्होंने भी पलट गए, उनको फोर्स करके मेरे ऊपर केस डालने लगा है कि फैमिली कोर्ट में कि मैं उनको ज़बरदस्ती शादी करी बोल। इसमें हम दोनों के कॉमन फ्रेंड्स भी मौजूद हैं जो हमारे विटनेस हैं, सब विटनेस रहने के बाद भी मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मैं सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सब लोग से विनती करती हूँ कि जल्दी से जल्दी कोई एक्शन ले। क्यों बोले तो 2 साल से मैं अकेली इधर इधर कोर्ट के चक्कर मेरा जॉब के ऊपर अफेक्ट था, बल्कि अंदर ही अंदर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। 2-3 दिन से अभी ये मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड मिसिंग है बोल रहे थोड़े लोग ये बोल रहे कि वो जिसके साथ एंगेजमेंट टूट गया था वो बच्ची को लेके US भाग गए बोल के बोल रहे, और थोड़े ये बोल रहे कि उनको बच्ची के घर वाले मार दिए बोल रहे।
मैं हर पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट दे रही हूँ। शहनाजगंज गई हूँ, फिर यहाँ पर अफजलगंज में लोकेशन में आता बोले तो अफजलगंज आई हूँ, फिर कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन भी गई हूँ, कोई भी एक्शन नहीं ले रही। ये कह करके कोई प्रूफ नहीं है कि वो बच्ची को लेके भाग गया और उसके साथ शादी किया, तो अभी मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं मीडिया को अप्रोच ली। मैं सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।